हल्द्वानी में टैक्सी चालकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि काठगोदाम क्षेत्र में आरटीओ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकजुट हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार उनका शोषण किया जा रहा है और मनमाने चालान काटे जा रहे हैं। इन सब के बावजूद अब वाहन की छतों पर लगे कैरियर हटवाए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों का सामान रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने कहा कि एक टैक्सी चालक पूरे मानकों के हिसाब से यात्रियों को सीटें उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन पुलिस और आरटीओ मिलकर जबरन बेवजह कोई ना कोई वजह ढूंढकर जबरन चालान काटने पर आमदा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उतार दिया गया है, मेरे पास 9 सीटर गाड़ी है, इसको पर्यटक प्रदेश बोलते हैं। पर्यटक प्रदेश में आरटीओ फिजिकल वेरिफिकेशन करा के रोड में कोई पर्यटक 10 दिन के लिए यहाँ घूमने आता है, मेरी 10 बुकिंगें कैंसिल होगी। मैं आदि कैलाश की तरफ जाता हूँ, उनके सामान नहीं ले जा पाता हूँ। 2 बुकिंगें मेरी कैंसिल हो चुकी हैं, वो 10 उसके ट्रॉली बैग को मेरी गाड़ी में रखवा दे, जगह अगर होती है तो। और बाहर परमिट दिए जाते हैं, टेम्पो ट्रेवल भी 6 सीट 7 सीट में पास। ये है जो हमारे पहाड़ के जितने भी टैक्सी वाले हैं, इनके साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ पे कृत्य किया गया आरटीओ के द्वारा। बिना किसी ऑर्डर के सवारियाँ बैठी हैं गाड़ियों में, उसके बाद सवारियों को उतार के छतों में से सामान बाहर फेंक दिया गया है और उनको ग्राइंडर से यहाँ पे काटा गया इसी स्थल पर। आज इसी चक्कर में जो है राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा हम लोग यहाँ पे इन सभी को एकजुट करते हुए एक धरना प्रदर्शन में चेतावनी देना चाहते हैं आरटीओ हल्द्वानी को। जो छतें इनकी काटी गई हैं वो आज यहाँ पे वापस होंगी सभी की, और आगे जो ऑर्डर है ये एक राज्य में 2 कानून नहीं चलेगा। हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा छत काटे जा रहे हैं, जो कि हमारे पैसेंजरों को बैठने में या सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। पैसेंजर सामान, कोई भी फैमिली कहीं जाए तो 2-4 बैग लेके ही जाती है, वो सामान कहाँ रखे, ये परेशानी हो रही है। ऊपर से ग्राइंडर से काटा जा रहा है। दूसरी चीज़, फिटनेस जो हो रही है, फिटनेस सेंटर पर मनमानी रेट लिए जा रहे हैं। गाड़ी वाला अगर जाता तो उसकी फिटनेस पास नहीं हो रही है, दलाल के द्वारा करता है तो फिटनेस 8-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं उसमें। परेशान, इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, कम से कम आज 25 दिन से लोग बेमतलब चालान भुगत रहे हैं और हमारे छतों को कटर से काटा गया है। हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार, इन्होंने एक ही राज्य में 2 कानून पास किए हैं। एक तरफ से हमें रोज़ पुलिस परेशान करती है, एक तरफ से हमें आरटीओ परेशान करता है। सर, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसे हम पूरा करेंगे बताइए। एक जीप में ये 8 सवारी 9 सवारी का हमें परमिट देते हैं और उसके बाद हमें जो है टैक्स में हम 1420 रुपये 2023-2022 में भरते थे, आज हम उस टैक्स और उस फिटनेस को 12,000-11,000 में कर रहे हैं।